वॉचिंग स्पेशल केयर वन सेल्फ और मैं हूँ आपकी दोस्त शीशा। मैं बहुत दिन के बाद आपके पास रिटर्न आई हूँ, और क्यों इतने दिन मैं नहीं आई थी उसका क्या रीज़न है उसका ऊपर अलग से मैं कोई ब्लॉग बनाऊँगी और ब्लॉग में आपको डिटेल्स में बताऊँगी। पर अभी जो मैंने हेडलाइन में डाला है तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी फ्रेंड्स, मैं जो मेकअप करती हूँ ये मेकअप मैं शॉर्ट वीडियो के लिए करी की हूँ। तो इसको पोंछने के बाद मैं क्या लगाती हूँ, किससे मेरी स्किन फिर से तरताज़ा हो जाता है, मेरा हिंदी ठीक नहीं अच्छा नहीं है, तो फिर से रिफ्रेश हो जाता है, तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ वही आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले मैं अपने मेकअप को कैसे उतारती हूँ, एकदम सिंपल सा जो मैं करती हूँ वही दिखाऊँगी। एकदम नॉर्मल एक घरेलू लड़की जिसके पास कोई क्लींजर वगैरह नहीं रहता है तो वो कैसे मेकअप उतारता है, जैसे कि मैं कैसे उतारती हूँ मेकअप को रिमूव करती हूँ वही मैं दिखाऊंगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको, आप ही के सामने मेरा फुल मेकअप आज मैं रिमूव करके आपको दिखाऊंगी और उसके बाद मैं क्या फेस में लगाती हूँ वो भी दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को देखने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे, तो प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे। इस लाइक का बटन दबाएं और उसके साथ सब्सक्राइब का भी बटन दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को भी क्लिक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं अभी अपने मेकअप को रिमूव करके आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, सिंपल सा टिप्स है, मैं कोकोनट ऑयल से अपने फेस का जो भी मेकअप है उसको रिमूव करती हूँ। तो मैं कोकोनट ऑयल, ये पतंजलि का कोकोनट ऑयल मैंने लिया है, जो रेगुलर हेयर ऑयल है वही लिया है। ऐसे भी कोकोनट ऑयल पतंजलि का आता है, वो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल आता है, वो भी आप लगा सकते हो और भी अच्छा है, पर मेरे पास अभी यही अवेलेबल है तो मैं इसी से काम चलाऊँगी। और इसके सिवा भी मेरे पास जब ऑलिव ऑयल था तब मैं उससे भी रिमूव करती थी, यानी कोई भी ऑयल जो स्किन के लिए अच्छा हो वो आप लगा सकते हो। और मैंने थोड़ा सा कॉटन लिया, तो इतना सारा कॉटन नहीं लगेगा, तो थोड़ा सा कॉटन मैं यहाँ से लूँगी। जैसे मैं रिमूव करती हूँ दिखा रही हूँ, तो आप सोच रहे हैं ये तो नॉर्मल चीज़ है, कोई भी सोच रहे हैं शायद, तो और कोई कोई ऐसे भी हैं जो लोग ऑलिव ऑयल या कोई क्लींजर वगैरह देके अपने फेस का मेकअप को रिमूव करते हैं, तो वो लोग ज़रा देख लें कि आप कोकोनट ऑयल से कितना अच्छे से रिमूव होता है और स्किन भी बहुत अच्छा रहता है। तो इस और इसको रिमूव करने के बाद मैं क्या लगाती हूँ वो भी जरूर देखना फ्रेंड्स, तो लगे रहे देखते रहो मेरी वीडियो को। तो देखिए मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ इसको कोई भी काट छाट नहीं करूँगी, जैसा बना रही वैसे मैं दिखाऊँगी आपको। तो ये देखिए, ये पहले मैंने अपने चीक का जो मेकअप है वो रिमूव करी, ये देखिए रेड कलर हो गया। और एक बात है फ्रेंड्स, मैं बेस कुछ भी नहीं लगाई हूँ, यानी फेस में फाउंडेशन वगैरह कुछ भी नहीं लगाई हूँ, सिर्फ ऊपर से मैं थोड़ा क्रीम लगाने के बाद ये लगाई हूँ। और ये देखो आई शेडो मतलब आइरिस दिखा रहा है आपको, तो ये आइरिस नेचुरल नहीं है, ये है जो आइरिस है ये सॉफ्टवेयर का आइरिस है, तो आईलैशेस है, आइरिस बोल रहे हैं, तो आईलैशेस मैंने सॉफ्टवेयर का लगाया है, कुछ नहीं लगाया। देखिए मैंने क्रीम कर लिया, ये काला पॉइंट हट गया मेरा, देखिए तो थोड़ा सा ही मेकअप रहता है मेरे फेस में, सिर्फ इतना ही, क्योंकि मैं हर रोज़ शॉर्ट बनाती हूँ इसलिए मैं फेस में कुछ भी अलग से नहीं डालती। तो ये जो कॉटन है मैं इसको फेंक दूँगी, अलग से मतलब मैं कोई मेकअप वगैरह जैसे बेस हो गया, फाउंडेशन हो गया, जो भी होता है बेस लगाने की चीज़ वो सब मैं नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मैं अपने स्किन को बहुत प्यार करती हूँ, तो मेरा स्किन में कुछ भी लगाने के बाद कुछ अलग रिएक्शन हो ये मैं नहीं चाहती हूँ, तो मैं लगाती हूँ। और ये देखिए मैंने ये पूरा क्लीन कर लिया, सिर्फ मेरा आँख में था और चीक में था और लिपस्टिक है, लिपस्टिक को मैं हटा ले रही हूँ। अभी दिख रही मैं भूतनी की तरह शायद आप सोच रहे हो, तो अच्छे से पूछूंगी। देखिए ये पूरा ही लिपस्टिक मेरा रिमूव हो गया है, अभी लास्ट में मैं एक फ्रेश कॉटन लूँगी और ये कॉटन लेके फुल फेस को ऐसे पिन कर लूँगी। और इसके बाद मैं क्या लगाती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए मेरा फुल फेस क्लीन हो गया है,
अभी मैं इसके बाद क्या लगाती हूँ वो दिखाऊंगी आपको। तो आप देख सकते हो मेरा फेस पूरा क्लीन है, कुछ भी नहीं है। तो अभी मैं अपने फेस को अच्छे से धो लूँगी वाटर से, पानी के साथ, और उसके बाद मैं जो लगाती हूँ वो दिखाऊंगी आपको, बने रहिए। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो मैं धो के आई हूँ मेरे फेस को अच्छे से, पानी से अच्छे से धो के आई हूँ। अभी मैं देखिए मेरे हाथ में है मिल्क, ये काओ मिल्क है, तो मैं थोड़ा सा काओ मिल्क ली हूँ। काओ मिल्क मेरे स्किन को बहुत सूट करता है, यानी जिनका भी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है उनके लिए काओ मिल्क बहुत अच्छा है। और इसके साथ मैं जोड़ूंगी ये है मौसम्बी, यानी स्वीट लेमन का जूस। तो मैं इसको जोड़ूंगी, यानी ऐसे ऐसे काट के मैं लाई हूँ, थोड़ा सा लेके आई हूँ, इतना से काफ़ी है मेरे फेस के लिए। तो मैं ऐसे डिप करूँगी और ये मिल्क के साथ जब मिक्स्ड हो जाएगा तब मैं इसको रब करूँगी। और ये जो मौसम्बी है इसको ठंडा मैंने फ्रीज में रखा था, ठंडा ठंडा लगाने में ये इस गर्मी में बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इसको ठंडा करके लाई हूँ। और मिल्क भी ठंडा है तो अच्छा लगता है, तो ऐसे मैं रब करूँगी। इससे क्या होता है फेस में जो भी टैनिंग वगैरह आता है या स्किन में जो भी डलनेस आता है सब मिट जाता है। मिल्क में बहुत सा मॉइस्चर रहता है और उसके साथ नेचुरल स्किन व्हाइटनिंग प्रॉपर्टीज रहता है, जिससे फ्रेंड्स आपके स्किन ब्राइट बनते हैं, फेयर बनते हैं। तो इसीलिए मैं मिल्क को हर वक्त प्रेफर करती हूँ, मेरे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। जिन मैं तो बोल ही दी हूँ नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है। उसके साथ फ्रेंड्स ये जो मौसम्बी का जूस ये भी इतना अच्छा रहता है, क्या ये आपकी स्किन का डार्ट को भी रिमूव करेगा, क्लीन कर देगा, कोई भी टैन या कोई भी स्पॉट है आपकी स्किन में तो वो भी हल्का करने में मदद करेगा। तो ऐसे मैं दो मिनट आपको रब करना है। 5 मिनट आप ज़्यादा रब करोगे तो स्किन ढीला हो सकता है, तो 2 मिनट अगर रब करो, ऐसे मैं करती हूँ 2 मिनट, 5 मिनट मैंने ज़्यादा बोल लिया था, तो 2 मिनट रब करो और उसके बाद पानी से धो लो, और उसके बाद आप जैसे जो भी मॉइस्चराइजर लगाते हो वो लगा लो। तो यही था मेरा ये राज, मैं कैसे अपने स्किन को क्लीन करती हूँ हर रोज, वो ही मैं आज आपके साथ शेयर की हूँ। तो एक बार मैं धो के भी आपको दिखा रही थी, मैं धो के आती हूँ। तो ये देखिए फिर मैंने धो लिया है अच्छे से फेस को, तो आप देख सकते हो मेरा स्किन कितना क्लियर हो गया है, फुल क्लियर हो गया है, बहुत ही क्लियर हो गया है। देखिए मेरा फेस क्लियर तो होगा ही, आप हर रोज़ ऐसे करोगे तो फ्रेंड्स आपके स्किन में कोई भी किस्म का डार्कनेस नहीं रहेगा, आपके स्किन में टैन नहीं रहेगा, आपके स्किन में कोई भी स्पॉट है तो वो भी हल्का होते रहेगा। और आप इसी तरह आपके फेस को क्लीन करोगे तो आपकी स्किन जो भी डैमेज हुआ है मेकअप करने के बाद, जो डैमेज पन आता है स्किन में, तो वो सब मिट के आपकी स्किन फिर से रिफ्रेश हो जाएगा। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो ये वीडियो देख के आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करो, प्लीज़ प्लीज़ लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरे साथ जुड़े रहो, हर वीडियो को देखते रहो। तो आज के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।